हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस उठ गए हैं आज, और गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 12:00, मतलब 12:45। साहब के पास देखिए, इतने पैसे कहाँ से आए? जो लेते मैंने, इतने सारे। गाइस ये नकली नोट है, पर इसको लग रहा है कि असली नोट है। तो गाइस मिलता आपको थोड़ी देर में। गाइस हेलो, वेलकम बैक। सो गाइस कार्तिक ने जो है व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइस आज बहुत ज़्यादा बिजी थे, संडे है, बट आज करिए पूरे घर की डीप क्लीनिंग। सो गाइस मज़ा ही आ गया सफाई करके। सो गाइस मैंने किचन में ये तेज वाली लाइट लगाई थी, तेज वाली, तो अच्छे से उजाला हो जाता है। और ये सारा डीप क्लीनिंग करिए गाइस आज, जितने भी मतलब जाले वाले पूरी साफ सफाई, चमका दिया पूरा घर। बहुत ये माता के दर्शन कर लीजिए मम्मी के, और मंदिर तो मैंने भी कल परसों ही क्लीन किया था, मम्मी के दर्शन कर लिए। जय माता दी, जय माता दी। हमारे लड्डू बैठे हैं, राधे राधे लड्डू, राधे राधे। सो गाइस चलते हैं, सारी साफ सफाई हो गई है, डन। फ्रिज जो थे, फ्रिज भी एकदम चमाचम चमका दिए गए हैं गाइस। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी सीरियसली गाइस, तो अब साफ़ हो गया, तो अब मुझे तसल्ली हो रही है कि हाँ साफ़ हो गया घर। और अब हम बना रहे हैं गाइस बढ़िया से छोले, क्योंकि भूख लग रही है, अब सुबह से काम में लगे हैं। तो गाइस बढ़िया बढ़िया कुछ छोले बना रहे हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस अब हम सुबह से लेके काम कर रहे थे, आज पूरी डीप क्लीनिंग करी है गाइस, सारा सफाई, डस्टिंग, कपड़े धोए, सारा काम करा, दोनों हस्बैंड वाइफ लगे रहे सुबह से लेके अब जाके फुर्सत मिली है। सो गाइस अब अच्छा सा लग रहा है घर के, हाँ भाई क्लीन हो गया है। तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या काम किया है आज। सो गाइस आज हो गई है डीप क्लीनिंग पूरे घर की। यहाँ पे ना खाना बनता है, तो सारा जो चिकना है वो यहाँ पे भी जम जाता है, तो सारा चकाचक क्लीन कर दिया है, सारा ये सब क्लीन हो गया है चकाचक एकदम। और ये तेज लाइट लगा ली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और मैंने यहाँ पर भी जो है तेज पावर वाली जो है दो लाइट्स लगाई हैं, क्योंकि ट्यूशन्स के जो बच्चे हैं वो आते हैं, ये देखिए वो आते हैं तो दिक्कत रहती है। और देखिए यहाँ पर भी मैंने ये वाली लाइट लगा दी है, तो अब दो दो लाइट हो गई हैं, तो बहुत बहुत अच्छी रोशनी आ रही है गाइस। सो गाइस ज़्यादा लाइट होने से क्या होता है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई भी हो जाती है, दिखता भी अच्छा है। सो गाइस आज मतलब गाइस गंदगी वाले घर में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कई बार हम ढील बरत देते हैं कि कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, बट नहीं, काम जब हो जाए तभी बढ़िया है। और आज गाइस देखिए बढ़िया मैं छोले बनाए हैं आज, टेस्टी वाले। बिना दूध के गाजर का हलवा कैसे बनता है? एक्चुअली गाइस एक हमारे दीदी है, बाबू रुक जा, एक्चुअली हमारी गाइस दीदी हैं ये, तो वो बिना दूध के गाजर का हलवा बनाती हैं। और गाइस इतना टेस्टी हलवा बनाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसमें वो क्या करती हैं कि बहुत सारा मावा यूज़ करती है, खोया बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करती हैं। बेटा इतनी टॉफियाँ मत खाओ, तो पता ही नहीं चलता है कि उसमें दूध डला है कि नहीं डला है। तो गाइस मैं भी आज यही करने जा रही हूँ। सो जिस जिसको बिना दूध के गाजर का हलवा बनाना सीखना हो, सो डेफिनेटली सीखें। और दूध ना डालने का मेरा रीज़न ये है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, बिकॉज फ्रॉम मॉर्निंग आई हैव बीन बिजी इन दी हाउस होल्ड वर्क, एंड आई डन होल क्लीनिंग ऑफ माई हाउस। सो अभी बज रहे हैं 7:30, सो आई डोंट हैव मच मोर टाइम, एंड टुमारो से वही दोबारा से जो है वीकडेज स्टार्ट हो जाएंगे। सो हमारा रूटीन पैसिव हो जाएगा कि सुबह इनको जाना है, फिर कार्तिक के भी स्कूल हैं, इसके भी स्कूल ओपन है कल से, फिर उसके बाद मुझे अपना भी देखना है, उसके बाद मुझे इसका भी देखना है। हाँ मत जा, ठीक है। सो गए वही वीकडेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, इसलिए मैंने सोचा बना के रख देती हूँ। कल मेरा फास्ट भी है, तो उसमें भी हम खा सकते हैं गाजर का हलवा, और नहीं भी खाएंगे तो इनको ऑफिस में पैक करके दे दूँगी। और ऐसा है ना गाइस, देखो सीजनल जो है गाजरें अभी ही हैं इन सीजन्स में, उसके बाद तो जनवरी के बाद गाजर मिलती ही नहीं है। तो जितना हो सके गाजर का हम हलवा, गाजर का रायता, गाजर की सैलेड, हम ये जितना अपने डाइट में लेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, आपको पता ही है।
और गाइज लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने बोल दिया था कि आज मौनी अमावस्या है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली जब मेरे सासू माँ ने फ़ोन किया कि आज आना है पुलाव बनाना है, तो मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ कि आज अमावस्या है, जबकि अमावस्या नहीं थी, पूर्णमासी थी। फिर मैंने लिखा भी नीचे कि पुलाव बाटा पूर्णमासी पे। सो जो लोग सोच रहे होंगे उनको मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था, फिर एंड वाले व्लॉग में मुझे पता चल गया था। और एडिटिंग की थी कार्तिक ने, तो वो वाली चीज़ जो है वो कट करना भूल गया था। सो गाइज कई बार एडिटिंग मिसिंग भी हो जाती है, तो आप सब सोच लीजिएगा कि ये कार्तिक ही करता है। कई बार ये क्या करता है, थंबनेल में स्पेलिंग गड़बड़ कर देता है, फिर बाद में मैं देखती हूँ तो वो मैं करेक्ट करती हूँ। तो थोड़ा सा ये है, बच्चे को आता है अगर, तो मैं अगर जैसे मान लो खाना खाने के बाद मैं बर्तन वगैरह साफ करती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ बेटा एडिटिंग कर दे, तो ये एडिटिंग करने में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देता है, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और गाइज आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि माँ की जो हाजिरियाँ होती हैं मंदिर की, वो क्यों करी जाती हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और गाइज यहाँ पे देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए माँ के। सो गाइज दर्शन कर लीजिए मम्मी के, यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं। सो गाइज माँ की जो हाजिरियाँ हैं इनके मंदिर की क्यों की जाती हैं, उसके बेनिफिट्स होते हैं। बेटा बार बार हाथ नहीं लगाओ माँ, तो मैं आज आपको वो बताने जा रही हूँ। सो गाइज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि माँ की जो मंदिर की हाजिरियाँ हैं वो क्यों की जाती हैं। हाजिरी का मतलब होता है कि हम ये माँ से बोलते हैं कि हम इतने शनिवार या इतने संडे हम आपके दर्शन करने के लिए आएंगे, और जो भी मन में आपके जो भी चीज़ होती है वो आप माँ को बोलते हो कि हम इस पर्पस से आएंगे। सो मैं उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूँगी अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पर बिना दूध का जो हलवा है वो देख लीजिए प्रिपेयर हो गया है, तो आप लोगों को जब भी बनाना हो बिना दूध का हलवा, तो इस तरीके से बनाइए, टाइम भी कम लगता है, फटाफट से बन जाता है। इसमें घी डालना मत भूलना गाइस, क्योंकि दूध नहीं होता तो उसमें घी की बहुत नीड रहती है। घी और खोया जरूर डालना है, चीनी। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ ठाकुर जी को भोग ठंडा करके। गाइस अभी अभी जस्ट ठाकुर जी को भोग लगाया था, जो गाजर के हलवे का, तो वो बिल्कुल अभी अभी मैंने भी खाया, बहुत ही टेस्टी बनाया गाइस हलवा, बहुत टेस्टी। तो जिसको खाना है सो यू कैन कम एट माई होम, डेफिनेटली आई विल गिव यू। और गाइज मैं बात कर रही थी कालका माँ की जो है मंदिर की हाजिरियाँ, मतलब उनके दर्शन। तो गाइज वो ऐसे होता है, जैसे आपके मन में अगर कोई इच्छा है, अगर आप कोई मन्नत मांग रहे हैं माँ से, तो आप अपने मन में मंदिर में जाके बोल सकते हैं कि माँ मैं 7 या 5, 7 या 11 हाजिरियाँ, 21, 51, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितना वो कर सकता है पूरा, तो आप जाके बोल सकते हो कि माँ मैं इतनी हाजिरियाँ करूँगा आपके मंदिर की, सैटरडे की हाजिरियाँ करूँगा। वैसे हाजिरियाँ मेन कालका मंदिर की सैटरडे और ट्यूसडे की होती है, ज़्यादातर सैटरडे की करते हैं लोग, मैंने भी सैटरडे की हुई है। तो गाइज़ उसमें आप बोलते हो तो उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स घर की धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं, और जो आप मन्नत मांगते हैं वो भी डेफिनेटली पूरी होती है गाइस। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है, तो आप अगर सच्चे मन से करेंगे तो डेफिनेटली माँ आपकी सुनेगी ही सुनेगी। तो कई लोग बोल रहे थे कि हाजिरी क्या होता है, माँ के मंदिर की हाजिरियाँ क्या होती हैं, तब मैंने बोला कि ये होती हैं, अगर आपके मन में कोई विश है तो आप वहाँ जाके मांग सकते हो और फिर आपको वो पूरी करनी है। सो गाइस बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। जिसको माँ से मन्नत मांगनी है जल्दी जल्दी से जाके मांग के आइए, डेफिनेटली माँ पूरी करेंगी। सो गाइस कालका माई की फौज हमेशा करती रहेगी मौज, ठीक है। सो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए गाइस।